तो इस हफ्ते काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जिसे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कुछ अपडेट्स, नेटफ्लिक्स के इस हफ्ते के कुछ अनाउंसमेंट्स के बारे में और टॉम हॉलैंड की अपकमिंग फिल्म चेरी के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं इस वीडियो में, तो सभी अपडेट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ अपडेट्स के बारे में। मार्वल स्टूडियोज ने डेडपूल 3 के लिए सिस्टर्स वेंडी एंड लिजी को हायर कर लिया है स्क्रीन राइटिंग के लिए। ये दोनों सिस्टर्स जानी जाती हैं एनिमेशन सीरीज बॉब बर्गर्स के प्रोड्यूसर्स के तौर पर, तो साफ है कि हमें डेडपूल 3 में भी ह्यूमर देखने को मिलेगा। ब्लैक पैंथर 2 फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट ईयर जुलाई से स्टार्ट कर दी जाएगी। साथ ही नार्कोस मैक्सिको के एक्टर टेनो हॉर्टा को कास्ट कर लिया गया है, जो हो सकता है कि इस फिल्म में विलेन का रोल प्ले करेंगे। अब सवाल ये है कि चैडविक बोसमैन के जाने के बाद मार्वल स्टूडियोज नहीं चाहता है कि चैडविक बोसमैन का डिजिटल डबल यूज किया जाए, तो ब्लैक पैंथर के रोल के लिए मार्वल जल्द ही किसी एक्टर को कास्ट करेगा। अब तक स्पाइडरमैन 3 से बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं और इस हफ्ते इस फिल्म से एक काफी बड़ा रूमर निकल के आया, जहां सैम रेमी के स्पाइडरमैन के विलेन अल्फ्रेड मोलिना, जिन्होंने ऑक्टोपस का रोल प्ले किया था, वो एक बार फिर से टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 में रिटर्न कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो सोनी पिक्चर्स सिनिस्टर 6 की एक फिल्म जरूर रिलीज करेगा। नेक्स्ट कुछ अनाउंसमेंट्स है नेटफ्लिक्स के तरफ से, जहां नेटफ्लिक्स ये टारगेट कर रहा है कि एक्सट्रैक्शन 2 की फिल्मिंग 2021 से स्टार्ट कर दिया जाए और नेक्स्ट ईयर के एंड तक हमें ये फिल्म देखने को मिल सकती है। ऑल्टर्ड कार्बन के सेकेंड सीजन के बाद एंथनी मैकी एक बार फिर से नेटफ्लिक्स पर रिटर्न कर रहे हैं। एंथनी मैकी नेटफ्लिक्स की नई थ्रिलर फिल्म द ओगुन को लीड और प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म से रिलेटेड और जानकारी अभी रिवील नहीं की गई है। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स ने रायन रेनॉल्ड्स की द एडम प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था और अब इस फिल्म के लिए मार्क रुफेलो और कैथरीन कीनर को भी कास्ट कर लिया गया है। नेटफ्लिक्स और HBO के बीच एक वॉर शुरू हो चुकी थी कि नेक्स्ट ईयर आने वाली फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को कौन एक्वायर करेगा, और ये डील $200 मिलियन की थी, लेकिन वार्नर ब्रॉस ने नेटफ्लिक्स के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और अब इस फिल्म को थिएटर और HBO मैक्स पर रिलीज किया जाएगा। बैटमैन की सोलो फिल्म का कुछ सेट फोटोज रिवील किए गए हैं। सेट फोटोज में हम गॉथम सिटी को देख सकते हैं और साथ ही हमें फर्स्ट लुक मिला बैट केव का। इन सेट फोटोज से ही पता चलता है कि बैटमैन की ये फिल्म काफी बड़ी बजट फिल्म होने वाली है। सोनिक द हेजहॉग के डायरेक्टर जेफ पोलर को एक नई फिल्म मिल चुकी है पिंक पैंथर। अब ये फिल्म लाइव एक्शन होगी या फिर एनिमेटेड, इस चीज को अभी कंफर्म नहीं किया गया है। टॉम हॉलैंड की आने वाली फिल्म चेरी का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है और वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने एवेंजर्स एंड गेम को भी डायरेक्ट किया है। इस फिल्म को नेक्स्ट ईयर 26 फरवरी को रिलीज किया जाएगा और 12 मार्च को इसे एप्पल टीवी पर स्ट्रीम किया जाएगा। डिज्नी कंसिडर कर रहा है एक लाइव एक्शन फिल्म क्रियोएला पर, जिसे डिज्नी प्लस पर डेब्यू किया जा सकता है। क्रियोएला एक्सप्लोर करेगी डूडी स्मिथ की द 101 डेलमेशंस की विलेन को। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ मेजर अपडेट्स, जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया।